Good morning, student. Myself Pawan sir. Today I am going to teach you science of class second. बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 5 का एयर मतलब हवा के विषय में बताया था. अब एयर में आपके हवा में क्या क्या चीज़ें कंटेंट्स होती हैं, तो उन चीज़ों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से आया हूँ. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एयर में आपका स्मोक मतलब धुआं कंटेन होता है. अब दूसरा आपका हेडिंग क्या है आज का, एयर कंटेन्स डस्ट. डस्ट का मतलब होता है बच्चों धूल. तो व्हेन वी स्वीप, स्वीप का मतलब होता है बच्चों सफाई करना. व्हेन वी स्वीप आवर हाउसेस एंड रोड्स द डस्ट गोज इनटू द एयर. व्हेन वी स्वीप, जब हम सफाई करते हैं चाहे अपने घर की या सड़क की, तो क्या होता है, द डस्ट गोज इनटू द एयर, तब उसमें वहाँ धूल उड़ता है और उड़ के बच्चों कहाँ मिलता है, हवा में. डस्ट आल्सो गोज इनटू द एयर, डस्ट आल्सो गोज इनटू द एयर व्हेन द विंड ब्लो. और जब हवा भी चलती है तब भी देखेंगे बच्चों आप कि खूब धूल उसके साथ उड़ कर जाता है. द डस्ट मेक्स द एयर पॉल्यूटेड. पॉल्यूटेड का मतलब होता है बच्चों प्रदूषित करना. और ये क्या करता है, धूल हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है. प्रदूषित का मतलब बच्चों खराब करना. वी कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. वी कैन सी, हम देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स जो धूल के कण होते हैं इन द एयर. एयर मतलब पार्टिकल्स का मतलब होता है बच्चों कण, जो कण होते हैं उस धूल के, वो सबको हम हवा में देखते हैं. अब यहाँ दिया बच्चों एक एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है बच्चों परीक्षण या निरीक्षण, कोई चीज़ का परीक्षण करना. कोई एक एक्सपेरिमेंट आप करके चेक करिए ऐसा होता है या नहीं. कहा है शट द विंडो. शट मतलब होता है बच्चों बंद करना. कह रहा है शट द विंडो, खिड़की को एंड डोर, दरवाजे को ऑफ अ रूम, एक रूम के आप खिड़की और दरवाजे को बंद कर दीजिए. मेक अ होल, एक छोटा सा छेद करिए इन दिस डार्क रूम, इस अंधेरे रूम में, इस अंधेरे कमरे में एक छोटा सा छेद कर दीजिए. सो दैट अ लिटिल लाइट, इतना करिए कि छोटा सा प्रकाश उसके अंदर में इंटर इट फ्रॉम आउटसाइड, कि बाहर से सूर्य की किरण कुछ थोड़ी सी उस छेद से अंदर आ सके, इतना आप छेद कर दीजिए. यू विल सी, तब आप देखेंगे द डस्ट पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ लाइट. बीम का मतलब होता है बच्चों किरण, लाइट मतलब प्रकाश. तब आप देखेंगे जैसे अभी आपके यहाँ पे खिड़की उड़की होंगी, तो खिड़की से या जो ऊपर रोशनदान होते हैं उसमें से देखेंगे जब सूर्य की किरण अंदर की तरफ आती है, तो उसके साथ देखेंगे कि आप उसकी किरण में तो धूल की छोटी छोटी कणें उड़ती हुई दिखाई देती हैं. कभी भी आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा आपको दिखाई देगा. इसका मतलब कि एयर आपका जो है वो डस्ट को भी कंटेन करता है. आगे देखिए बच्चों, एयर कंटेन्स जर्म. जर्म्स का मतलब होता है बच्चों कीड़े मकोड़े. एयर में जर्म्स भी कंटेन होते हैं. डस्ट पार्टिकल्स कैरी जर्म्स ऑफ डिजीज. डिजीजेस का मतलब होता है बच्चों बीमारियां. जो धूल के कण होते हैं वो अपने साथ बीमारियों के भी कीड़े जो जिससे हम सबको बीमारियां होती है ऐसे कीड़े को भी उड़ाकर लाते हैं. जैसे जर्म्स आर हार्मफुल टू आवर बॉडी. हार्मफुल का मतलब होता है बच्चों नुकसानदायक, और ये जो जर्म्स होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं. व्हेन अ पर्सन कफ, कफ का मतलब होता है बच्चों खांसना, जो हम लोग खांसते हैं. आर स्नीजेस, स्नीजेस का मतलब होता है बच्चों छींकना. जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है, ही और सी
चाहे वो मेल में लड़का हो चाहे लड़की हो, लिव्स जम्प्स इन द एयर, तो हवा में अब उसके साथ जो इस बीमारी के कीटाणुओं को छोड़ता है। दीज जम्प्स मिक्स इन द एयर, और यह जम्प्स ये कीटाणु क्या होते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं। दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसके साथ वो एक पर्सन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं इस हवा के माध्यम से, एंड मेक अस और क्या कर देते हैं, उसे बीमार कर देते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की चीज़ें बताऊंगा, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।